फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका एबी। और टुडे अवर टॉपिक द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इसकी डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप्स, एरिया वाइज अथॉरिटीज़ और कहाँ कहाँ ये अप्लाई होगा वो सब कुछ मैंने पढ़ा चुकी हूँ। और इस वीडियो के हम डिस्कशन करेंगे अबाउट डेफिनेशंस के बारे में, कंट्रीब्यूशन पार्ट के बारे में, कैलकुलेशन पार्ट के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, अथॉरिटीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो गाइस, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। जैसे मैंने बताया कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने तीन स्कीम्स को फ्रेम कर दिया है, मर्ज कर दिया है। तो तीन स्कीम्स में पहली स्कीम है द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, जो स्पेशली प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। दूसरा आ गया एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम 1971, जो अब मर्ज करके क्या कर दी गई है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995, जो प्रोवाइड करती है फैमिली पेंशन एंड एश्योरेंस बेनिफिट टू एम्प्लॉय। थर्ड स्कीम है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976, जो प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस बेनिफिट टू एम्प्लॉय। अब मैंने बताया ये तीनों पार्ट को मिलाकर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंदर कर दिया गया है। अब जो इसका जो मेन पार्ट जो ऐड किया गया है वो क्या क्या ऐड किया गया है, मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। अब नेक्स्ट आ गए हम डेफिनेशंस के ऊपर। डेफिनेशंस में क्या आ गया, कुछ डेफिनेशंस हैं इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को उठाया है। पहला आ गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। लास्ट वीडियो में काफ़ी बार पढ़ाया कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनती हैं। फिर वेजेस, वेजेस क्या होता है, ऑल एम्प्लॉयमेंट लाइक लीव है, हॉलीडेज, ड्यूटी, सारा एम्प्लॉयमेंट होता है सारा। और जिसके अंदर इंक्लूड्स क्या होती हैं, कैश है, वैल्यूज़ हैं, अलाउंस है, डीए है, एचआर है, जो भी मिलता है वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। अच्छा, अब एम्प्लॉय कौन होता है, ए पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड फॉर वेजेस इन एनी काइंड ऑफ वर्किंग मैनुअल और विद द पावर एंड गेट्स द वेजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है, ऑनर ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री who have the ultimate right to manage the affairs at the factory is called employer, like director, MD, CEO. Exempted stabilization क्या होते हैं, fair stabilization, जिसको छूट दी जाती है किसी provision में या किसी schemes के अंदर, वो सारे क्या कहलाते हैं, exempted stabilization कहलाते हैं। अब controlled industries कौन सी होती हैं, वो industry जो control की जाती हैं by union के द्वारा या central government के द्वारा, वो क्या कहलाती हैं, controlled industries कहलाती हैं। अब आगे authorities पे, authorities कौन कौन सी हैं, दो अथॉरिटीज़ हैं, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, दूसरा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये दोनों अथॉरिटीज़ को अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ये काम क्या करती हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी क्या काम करती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंड और अदर फंक्शंस रिलेटेड वर्क करती है। और एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करती है, ये हेल्प करती है CBT की सजेशन देने में। ये दोनों स्ट्रेटजरी बॉडी हैं, क्योंकि बोथ आर कम इन अ एक्ट, सो इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटजी बॉडी। अब इसमें क्या, इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, 43 मेंबर्स हैं, इसके अंदर 13 मेंबर्स हैं। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म दी है C3VSEE, इसमें दिया है C3VSEE, मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे V हटा दिया है और यहाँ पे V लगा हुआ है। इस तरह से याद करना मेंबर्स को, कैसे याद किया जाएगा एक शॉर्ट बताती हूँ। जैसे यहाँ पे C3, तो मैंने यहाँ पे साइड से लिखती हूँ, 3 C लिख ली है, फिर है V, फिर है S, फिर है ई, फिर है ई। कैसे याद करोगे, C3 पहला सी से हो गया मेरा चेयरमैन, दूसरे सी से हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट CPFC, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमीशन CPFC, तीसरे सी से हो गया मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर यानी कि CGO। ये तीनों मेरे पास कितने मेंबर्स हैं, तीनों के तीनों, चेयरमैन एक है, CPFC एक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर कितने हैं, 5, टोटल हो गए मेरे पास 7। अब मेरे पास वी से क्या बन गया, वाइस चेयरमैन, एंड CPFC सेंट्रल बोर्ड बाई वी से, अब एस से क्या हो जाएगा,
एस हो जाएगा स्टेट गवर्न ऑफिशियल्स, वो कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 15, फिर एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं 10 और 10 सेम। ऐसी इस तरह से C3SW, इसमें भी चेयरमैन होता है, CPFC होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होता है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव। अब ये जो चेयरमैन है और CPFC, इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और इसके अंदर चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट करता है वो CBT मेंबर्स होता है, कोई भी एक CBT मेंबर्स यहाँ से उठ के इधर एग्जीक्यूटिव कमेटी में एज ए चेयरमैन वर्क करता है। और यहाँ पे जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी CBT मेंबर्स ही होते हैं। यहाँ से कोई मेंबर्स आते हैं, 3-3 मेंबर्स, और टोटल 6 मेंबर आता है, और वो एज ए एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव वर्क करता है। इसमें एक और चीज़ है, इफ़ द ट्रस्टी आर डूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंड रिलेटेड वर्क लाइक इनकम है, एक्सपेंडिचर है, तो इस सब की ऑडिटिंग कौन करता है, इन सब की ऑडिटिंग होती है CAG के द्वारा। CAG कौन होता है, कंट्रोल्ड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो रिपोर्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब आगे इसके अंदर एक स्टेट बॉडीज़ भी होती है, स्टेट बॉडीज़ ऑफ ट्रस्टी हैं, उसके ऑफिसर में कौन कौन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, इसमें CPFC जो एज ए CEO यहाँ पे काम करता है, जो CBT से होता है। और कौन कौन होता है, फाइनेंशियल एडवाइजरी होती है, चीफ अकाउंट ऑफिसर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होता है, एडिशनल CPFC होता है, रीजनल CPFC होता है, असिस्टेंट CPFC होता है। अच्छा, जो स्टेट बॉडीज़ की जितनी भी अपॉइंटमेंट हो रही है, इससे रिलेटेड रिक्रूटमेंट, अलाउंस, सैलरी, इन सबको कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। इस इनके जो वर्क करने की टर्म्स और कंडीशंस होती है वो स्टेट बोर्ड क्रिएट करता है विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो हैं वो दोनों कौन सी हैं, कोऑपरेटिव बॉडी हैं। क्यों हैं कोऑपरेटिव बॉडीज, उसके मैंने 3 रीज़न यहाँ दिए हुए हैं, और कोऑपरेटिव बॉडीज़ के भी क्या रीज़न होते हैं वो भी मैं बताती हूँ। जैसे पहला आ गया परपेंचुअल सक्सेशन। परपेंचुअल सक्सेशन क्या होता है कि कोई भी कंपनी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर ना ही वो चलती है और ना ही वो बंद होती है। सपोज़ कोई कंपनी का ओनर है, उसकी डेथ हो जाती है, या वो उसको डिसेबल हो जाता है वो, या फिजिकली या मेंटली वो ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से उसकी कंपनी को कोई लॉस नहीं होगा। उसके बाद उसके अगला जो भी होगा ऑथराइज पर्सन, उसको वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएंगी और कंपनी फिर भी रन करती रहेगी। कॉमन सील क्या होता है, कंपनी अपने नाम से चलती है, कॉमन सील होता है उसका, कोई पर्टिकुलर बंदे के नाम से वो नहीं चलती है। और कंपनी के ऊपर राइट होता है, और कंपनी के ऊपर राइट होता है, कंपनी को भी राइट होता है कि वो अपने नाम से किसी के ऊपर केस कर भी सकती है, और कोई व्यक्ति उसके ऊपर भी उसके नाम पर केस कर सकता है। इन सब की अपॉइंटमेंट्स के लिए लेकर किसी तरह का कोई भी कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकता है। अब कंट्रीब्यूशन पार्ट और इंटरेस्ट पार्ट आ गया। कंट्रीब्यूशन दोनों का होता है, एम्प्लॉय का भी होता है, एम्प्लॉयर का भी होता है। कहाँ कहाँ होता है कंट्रीब्यूशन, इन अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज। अकाउंट्स कौन कौन से हैं, EPS, EPS और EDLISS, और इसमें कौन सा, EPF और EDLIS। एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों का परसेंटेज कितना रहता है, 12%। एम्प्लॉय अपना 12% पूरा EPF में डालता है, लेकिन एम्प्लॉय का 12% वो होता है डिवाइड होता है चार पार्टों में। क्या क्या है, EPF में 3.67 है, EPS में 8.33% है, EDLIS में 0.5% है, एंड EPF में 0.50 है, और EDLI में 0 हो गया है, इससे पहले वो 5.50 था और इसके अंदर 1.1 था परसेंटेज, अब ये कम हो गया एडमिनिस्ट्रेटर। अब 10% रेट इज एप्लीकेबल फॉर कुछ, 10% रेट भी, इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल, लेकिन वो उसके लिए कुछ टर्म्स और कंडीशन, वो क्या है, लेस देन 20% एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉयड इन आर ऑर्गेनाइजेशन, एनी सिक इंडस्ट्री और स्टेबलाइजमेंट लॉस मोर देन नेटवर्थ, लाइक स्टेबलाइजमेंट का लॉस हो रहा हो जितनी कि उसकी नेटवर्थ है उससे ज़्यादा, या जूट है, ब्रिक है, बीड़ी है, गम फैक्ट्रीज है, वहाँ पर यह एप्लीकेबल होगा। अच्छा, वोमेन को रिसेंटली कुछ छूट दी गई है, क्या छूट दी गई है, कि जो न्यू वोमेंस एम्प्लॉय हैं जो एंटर कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका PF फंड जो है वो 8% कट किया जाए इन स्टेट ऑफ 12%, और कितने सालों तक, सिर्फ शुरुआत के 3 सालों तक। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, वो सेम रहेगा 12%। अंडर EPF क्या होता है, मैक्सिमम जो होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का 15,000 होता है,
एम्प्लॉय कैन पे द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ईपीएफ भर सकता है. अगर एम्प्लॉय चाहता है कि मैं ईपीएफ में अपनी सैलरी का कुछ और पार्ट डालना चाहता हूँ तो वो कर सकता है, लेकिन उसके क्या होगा, उसको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट देनी होगी अपनी मैनेजमेंट में, देन वो अप्रूवल करेंगे, उसके बाद ये सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा. फॉर इंटरनेशनल वर्कर इज वेजेस सेलिंग ऑफ 15,000 इज नॉट एप्लीकेबल. इंटरनेशनल वर्कर की तो नॉर्मली बात है सैलरी भी ज़्यादा होगी, तो उनके लिए 15,000 का जो क्राइटेरिया है वो एप्लीकेबल नहीं है. अच्छा, एजम्प्टेड स्टेबलाइजेशन जो है, जो मैंने बताया था पिछली डेफिनेशन में कि एजम्प्टेड स्टेबलाइजमेंट होते हैं, किससे होते हैं, प्रोविजन से या पॉलिसी से, तो उनको भी एम्प्लॉयर को छोड़ा नहीं जाता है कि आप कुछ पे ना करो, उनको भी कुछ पेमेंट करनी होती है. तो क्या करना होता है, उनको इंस्पेक्शन 4 देने होते हैं पर एम्प्लॉय. तो क्या होता है, ईपीएफ का 0.18% या 5 रुपये और ईडीएलआईएस का 1 रुपये मैक्सिमम 0.05% होता है. ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट है. देखो ये 3 तरह के अकाउंट ओपन होते हैं जो याद रखने वाली है और ये एग्जाम में पूछ लेते हैं. सिर्फ इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि ईपीएफ का क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. जीपीएफ का क्या है, जनरल प्रोविडेंट फंड. पीपीएफ का है पब्लिक प्रोविडेंट फंड. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है ये, और जनरल जो होता है वो गवर्नमेंट के लिए, और पब्लिक जो होता है वो इंडिविजुअल के लिए होता है. करंटली जो इंटरेस्ट रेट है वो ये चल रहे हैं, और ये इस समय लॉकडाउन की कंडीशन है तो फ्लक्चुएशन हो रहा है इंटरेस्ट रेट पे, तो आप ध्यान रखना एग्जाम जब भी देख, पर देख लेना इसको. तो ये वैसे क्वार्टरली चेंज कर देते हैं इसको. अब ये क्या है, इंटरेस्ट रेट जो फिक्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है, और पीपीएफ जो ओपन होता है वो कहाँ हो सकता है, बैंक्स के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर, दोनों के अंदर ओपन हो सकता है. इसके अंदर एक कंडीशन है, अगर कोई कंपनी अपने यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ का पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहती है तो उसके लिए उसके एम्प्लॉयज़ 100 से ज़्यादा अप्रूव होने चाहिए, मतलब तैयार होने चाहिए कि हम रेडी है. तो वो एक रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन भेजती है सेंट्रल गवर्नमेंट को या कोई जो भी अथॉरिटी होती है उसको. वो अथॉरिटी क्या करती है, इंस्पेक्शन करती है इस कंपनी के लास्ट 5 ईयर का कि ये ठीक कंपनी फॉल्ट में तो नहीं है, ये इसने कोई घपला तो नहीं किया है, इसकी कंडीशन क्या है. अगर कंडीशन अच्छी नहीं होती है तो जो भी अप्रूव अथॉरिटी होती है अप्रूवल या जो गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इसको रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन को. अगर वो अप्रूव भी कर देती है तो वो क्या करती है, ड्यूरिंग 3 ईयर जब उसने अप्रूवल करी है तब से लेकर 3 साल तक वो कंपनी को देखेगी कि टाइम टू टाइम पे कर रहा है कि नहीं. अगर किसी तरह का फॉल्ट मिलता है तो वो ड्यूरिंग द 3 ईयर कैंसिल कर सकती है अप्रूवल को या लाइसेंस को जो उसने प्रोवाइड किया है कंपनी को पीपीएफ ओपन करवाने का अपना एम्प्लॉयज़ का. नेक्स्ट आ जाता है हमारा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम प्रोवाइडेड शेड्यूल 3 के अंदर प्रोवाइडेड की जाती है. किसको, सुपरनेशन पेंशन को, रिटायरिंग पेंशन को, टोटल डिसेबलमेंट पेंशन को, विडो को, विडोर पेंशनर को, चिल्ड्रन पेंशनर को, ऑर्फन पेंशनर को, उनको प्रोवाइड होती है. पेंशन फंड स्कीम कंसिस्ट क्या रखा रखती है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है 8.33% का, सम जो पेड होती है एजम्प्टेड एम्प्लॉयर्स के द्वारा वो भी रखता है, जो नेट एसेट्स एट द अर्लियर एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम जो है जो वो ट्रांसफर हो चुकी है अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट स्कीम्स के अंदर, सॉरी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के अंदर. अब अच्छा, अंडर ईडीएलआईएस इसमें क्या होता है, ये कैलकुलेशन जो होती है वो 15,000 पे होती है. इवन इफ द एम्प्लॉय इज पेड हायर अमाउंट अंडर पीएफ, पर इसके अंदर वो पे नहीं कर सकता है. पीएफ के अंदर तो है कि तुम डाल सकते हो पीएफ के अंदर, प्रोविडेंट फंड के अंदर ज़्यादा चाहते हो एम्प्लॉय, लेकिन वो इसके अंदर सिर्फ एक लिमिटेड ही है कि इसके अंदर 7.5 और 0.5 कर सकता है. और एम्प्लॉय भी है ईडीएलआईएस के अंदर कर सकता है. ईडीएलआईएस कंट्रीब्यूशन टू बी पेड इवन इफ द मेंबर हैज़ क्रॉस द एज 58 के बाद भी कंट्रीब्यूशन चलता रहता है, और ये तब तक पे होता रहता है जब तक ये एम्प्लॉय कंट्री सर्विस में है और पीएफ उसका चल रहा है. पेंशन कंट्रीब्यूशन नॉट बी पेड द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर्स के द्वारा कब नहीं पी जाती है, जब एम्प्लॉय क्रॉस कर लेता है 58 ईयर ऑफ एज. सपोज़ किसी ने अपना रिटायरमेंट ले लिया अपनी 58 ईयर की एज पे, उसकी पेंशन आना स्टार्ट हो गई, अब खाली उस पर बैठा नहीं जा रहा, उसने कहा क्या करूँ मैं, फिर से उसी सेम कंपनी को या अदर कंपनी को वो ज्वाइन कर रहा है, तो इस केस में एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूशन स्टार्ट नहीं करेगा पेंशन में, क्योंकि पेंशन एक बार स्टार्ट
हो चुकी है, अगर पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो पार्ट बन जाता है ईपीएफ का, तब भी एम्प्लॉयर नहीं पे करता है। लेकिन एक कंडीशन और ध्यान रखना, इन केस जब एम्प्लॉय ने अपनी 50 ईयर तक कोई पेंशन ड्राइंग नहीं की है, किसी तरह का ड्रॉ नहीं किया है, तो क्या होगा, उसके पास जो 10 ईयर का क्राइटेरिया होता है पेंशन लेने का, 10 से लेके 35 ईयर का, एक मैं आगे पढ़ाऊंगी उसका एक क्राइटेरिया होता है, तो वो एलिजिबिली जो रहेगी मिनिमम 10 ईयर की, वो इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं होगी। अब मिसलेनियस प्रोविज़न क्या है, इसमें मिसलेनियस प्रोविजन एक केस है, इन केस एम्प्लॉयर हैव ड्यू अमाउंट देन द डिटरमिनेशन इज डन बाय, एम्प्लॉय के पास कुछ पैसा है उधारी है, ठीक है, तो वो किसके पास, कौन डिटरमाइन करता है कि वो किस तरह से, अथॉरिटीज़ होती है, वो अथॉरिटीज़ होती है डिटरमाइन करने की, CPFC की, एडिशनल CPFC, डिप्टी PPFC, रीजनल PPFC, असिस्टेंट PPFC है। लेकिन ये जो अथॉरिटी होती है ये एम्प्लॉयर को क्या देती है, राइट देती है कि वो अपना केस हमारे सामने रखे और उसको पूरा प्रेजेंट करे, उसके ऑर्डर देने, जो ऑर्डर अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करती हैं उससे पहले एम्प्लॉयर को पूरा राइट देती हैं। जो अथॉरिटीज़ का ऑर्डर जो पास होता है वो EPFAT से पहले आता है, EPFAT का जो ऑर्डर होगा वो लास्ट ऑर्डर होगा। अच्छा, अब ये EPFAT क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एपिलिटेड ट्रिब्यूनल, कौन इसको कौन मीट करता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर एक बंदे को हायर करता है। ये जो EPFAT है वो एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अथॉरिटी जो बनेगी वो सिर्फ एक ही बनेगी, और इसकी क्वालिफिकेशन कंडीशन क्या है कि ये जज होना चाहिए हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, इसका टाइम का ड्यूरेशन है वो 5 ईयर है, एज लिमिट 65 है, और अगर ये रिज़ाइन करना चाहता है तो रिज़ाइन कर दे, लेकिन एड्रेसिंग करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इसकी जो अपॉइंटमेंट्स है उसके ऊपर कोई भी कोई किसी तरह क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकता है। ये क्या काम करती है जो ट्रिब्यूनल है, ये काम क्या करता है, हियरिंग ऑफ एग्रीव्ड, जो पीड़ित लोग हैं, किससे पीड़ित हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से बाय, ठीक है, या एनी अदर पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर अथॉरिटी के नोटिफिकेशन, किस तरह के नोटिफिकेशन, के एप्लीकेशन कर दी हो किसी स्टेबलाइज पे, कोई प्रोविजन स्टार्ट कर दिया, कोई एक्ट स्टार्ट कर दिया हो, किसी PF में कोई अमेंडमेंट कर दी हो, या अदर कोई चीज हो उसकी रिकवरी ऑफ डैमेजेस फ्रॉम एम्प्लॉय कर दिया, उस तरह का। अच्छा, जो रिव्यू पास हुआ है, ये जो एम्प्लॉयर है वो चाहे तो इसको रिव्यू की एप्लीकेशन डाल सकता है, पर शर्त है कि वो रिव्यू की एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हुई हो, सिर्फ एक बार डाल सकता है, ऐसा ना हो कि बार बार रिजेक्ट कर दे तो उसके बाद दोबारा डाल दे, सिर्फ एक बार सिंगल वो एप्लीकेशन डाल सकता है। नेक्स्ट आ गया रिकवरी, रिकवरी कौन करेगा, रिकवरी ऑफिसर CPFC हु वुड हैव टू पावर टू रिकवर, रिकवरी ऑफिसर होगा या CPFC होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं रिकवरी ऑफिसर, भी बताया ही है मैंने, ठीक है। वो मोड कौन कौन से होंगे, या तो वो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को वो बेच के रिकवरी कर सकता है, या स्टे रिकवरी क्या होती है कि इसके अंदर गवर्नमेंट उसको बोलती है कि तुम्हें 2 साल के अंदर वहाँ रुकना है और सारी रिकवरी करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जब बैंक करप्सी में चली जाती हैं कंपनियाँ, तो उसके अंदर किसी अथॉरिटी को अपॉइंट कर देती हैं कि ये लोकेशन है यहाँ पर तुम्हें रुकना है और देखो क्या करना है, 2 साल तुम्हारे पास सारी रिकवरी करो, तो रिकवरी फ्रॉम एनी ऐसे पर्सन से भी रिकवरी होती है, जब सपोज़ कोई कंपनी है उसका किसी बंदे पर पैसा पड़ा हुआ है तो से भी निकलवाती हैं, जो बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी में चली जाती हैं कंपनियां उनसे, और इसके अंदर रिकवरी भी थर्ड पार्टी के थ्रू हुआ है, किसी ने उसका कहते हैं ना अपना कर देते हैं कि नहीं मैं इसका वो गारंटी लेता हूँ, गारंटीड कोई होता है तो थर्ड पार्टी के अंदर भी रिकवरी होती है। अच्छा जी, अब ये रिकवरी तो हो गई हमारी, सपोज कुछ रिकवरी हो, अब इस रिकवरी हो जाने के बाद किन किन चीज़ों का सबसे पहले राइट होता है कि उनको पेमेंट करी जाए, सबसे पहले सैलरी, एम्प्लॉय का राइट होता है कि एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड की जाए, फिर डेटर्स और लोन्स जिसके हैं उनको पेमेंट की जाए, फिर रिकवरी ऑफ डैमेजेस करी जाए, जो भी डैमेजेस हुए हैं उनको रिकवरी, फिर जो बचा हुआ है उसको अदर्स में लगाया जाए, तो ये सीक्वेंस भी ध्यान रखना। फिर विड्रॉल क्या होता है, अब दो तरह से विड्रॉल होते हैं, एक तो फुल विड्रॉल होता है, पार्शियली विड्रॉल, फुल विड्रॉल कौन से केस में होता है, कोई व्यक्ति है वो इंडिया छोड़ के बाहर विदेश जा रहा हो, रिट्रेचमेंट हो, VRS मीन्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विस होती है, सफ़र फ्रॉम लेप्रोसी और TB हो,
फिजिकल एंड मेंटली इनकेपेबल टू वर्क हो, सुपरिनेशन रिटायरमेंट और अटेंड द एज ऑफ 55 हो, टोटल परमानेंट इनकेपेबिलिटी हो, डेथ गिव टू नॉमिनी ऑफ द फैमिली, डेथ हो जाती है तो ये जो पेंशन वगैरह जो भी मिलती है, जो भी मिलता है तो वो नॉमिनी को प्रोवाइड होता है। अच्छा जी, पार्शियल विड्रॉल क्या होता है? पार्शियल विड्रॉल कंस्ट्रक्शन ऑफ होम करना हो, मैरिज के केस में LIC प्रीमियम देना हो, इलनेस हो, परचेस ऑफ शेयर्स हो या कोऑपरेटिव सिक्योरिटीज लेनी हो। अच्छा जी, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? देखो कि अगर कोई एम्प्लॉयर है वो डिसेबिलिटी के साथ किसी एम्प्लॉय पर्सन को जॉब दे रहा है तो उसमें उसको इंसेंटिव प्राप्त होता है। इंसेंटिव क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर की जो भी PF ESI वगैरह जो भी मतलब कंट्रीब्यूशन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है लास्ट 3 साल तक, और उसको एम्प्लॉयर पे नहीं करता है। और जो वेजेस हैं एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की उसमें से कभी भी रिड्यूस नहीं कर सकता है अकाउंट को जो कंट्रीब्यूशन का है। एम्प्लॉयर जो है उसको राइट होता है एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन को कट करना उसकी वेजेस में से। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन करती है पेंशन फंड में, कितना करती है 1.16%। टाइम ऑन बोर्ड क्या है? डिपॉजिट का 50 डेज टू क्लोज ऑफ FD बेन। चालन जो भरे जाते हैं उसको सबमिट करने में वो चैनल ये हैं, नाम भी दे रखे हैं मैं और चैनल के नंबर भी दे रखे हैं। और ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट है, यस यू कैन ट्रांसफ़र द अकाउंट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट 12%। अगर 15 डेज से एक दिन भी ऊपर होता तो उसको सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको 12% पे करना होता है एक्स्ट्रा। और अगर डैमेज और डिफॉल्ट की पेमेंट होंगे तो उसका ये चार्ट है, इसको याद कर लेना ये। और ये चालन वगैरह भी आते हैं, कभी कोई एग्जाम पूछ लेता है कि PF एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज का चालन कौन सा होता है, ये सारे चालन कौन से होते हैं। ठीक है, आप फॉर्म्स इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं मेरे, तो भाई ये फॉर्म सॉरी ज़रा ये फॉर्म्स को भी देख लो, क्या फॉर्म्स हैं? प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए। जैसे कि फॉर्म 5 के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है एम्प्लॉयज़ का EPF और EPS में, और 10 फॉर्म के अंदर क्या होता है? अपडेट होता है एम्प्लॉय की लिविंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म 3 के अंदर मंथली कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय फॉर EPF एंड पेंशन फंड। एंड फॉर्म 6A में कंसोलिडेटेड एनुअल कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, और फॉर्म 12A में एजम्पशन फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स और सरप्लस इनकम फॉर नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, प्रोविडेंट फंड फॉर्म फॉर द एम्प्लॉयज़ में क्या होता है? इसके अंदर फॉर्म 2 के अंदर नॉमिनेशन को शो करता है, फॉर्म 5 के अंदर एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम क्लेम करता है, 10C के अंदर EPS को विड्रॉल करता है, 10D के अंदर अप्लाई फॉर पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, और फॉर्म 11 के अंदर डू एन ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र ऑफ EPF, फॉर्म 13 के अंदर यू कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम ओल्ड EPF अकाउंट टू न्यू, एंड फॉर्म 40 को टू पे योर LIC पॉलिसी, फॉर्म 50Z के अंदर सेव TDS और एनी इंटरेस्ट डेट इज जनरेट फ्रॉम EPF, 19 के अंदर फॉर सेटलमेंट ऑफ EPF, 20 के अंदर फॉर EPF सेटलमेंट आफ्टर एम्प्लॉयज डेथ, एंड 31 के अंदर विड्रॉल ऑफ EPF। पेनल्टीज क्या हैं? अगर कोई एम्प्लॉयर जो ऑफेंस और पेनल्टी है एम्प्लॉय पे कोई नहीं है, सारी एम्प्लॉयर पे, ठीक है, और एम्प्लॉयर पे है तो इसलिए जो पेनल्टीज है वो ज़्यादा होंगी। देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर करता है तो 100 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग उसको अपनी पेनल्टीज देनी होंगी। कोई ऑर्डर पास किया कि एम्प्लॉयर को ये पैसे देने हैं, ये देना है, और वो उसको नहीं मानता या लेट करता है तो उसको 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। फाल्स स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है तो भैया 1 साल तक जेल हो सकती है और 5,000 रुपये देने पड़ सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं। डिफॉल्ट पाया जाता है पेमेंट कंट्रीब्यूशन में तो 1 से 3 साल तक जेल हो सकती है, फाइन होगा 10,000 का। डिफॉल्ट पाया जाता है इंस्पेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज में अंडर EPF स्कीम के अंदर तो 6 मंथ से लेकर 1-3 ईयर तक इम्प्रिजमेंट रहेगा और फाइन रहेगा 5,000। डिफॉल्ट पेमेंट पाई जाती है इंस्पेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज अंडर EDLI स्कीम तो लेट्स स्टार्ट अवर कैलकुलेशन पार्ट। पहले कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं EPF, EDLI और PF स्कीम्स के फॉर्मूले
और उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो EPF स्कीम है, उसके अंदर नो कैलकुलेशन होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एम्प्लॉय जो है उसमें डायरेक्ट में इन्वेस्ट करता है EPF के अंदर, और किसी में नहीं डालता है। ठीक है, अब आगे इडिलाई। इडिलाई में कंट्रीब्यूशन पता ही है। एश्योरेंस बेनिफिट कितने होंगे? वो 2.5 लैक्स होंगे और 6 लैक्स से ज़्यादा नहीं होंगे। फार्मूला इसको देर का PF स्कीम के अंदर फार्मूला ये है। कुछ बातें याद रखनी है PF स्कीम्स के अंदर, जैसे कि एवरेज पेंशन सैलरी। फॉर्मूले के अंदर आप देखोगे एवरेज पेंशन सैलरी मल्टीप्लाई बाय पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड 70। तो एवरेज पेंशन सैलरी कौन सी होगी? एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 5 ईयर या 16 मंथ। मैक्सिमम होगा वो 7500 होगी, मिनिमम जो होगी वो 1000 होगी। मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑफ पेंशन जो होगी वो 10 ईयर्स होगी। मैक्सिमम पेंशनेबल सर्विस होगी वो 35 होगी। इसमें एक और कंडीशन है, अगर कोई व्यक्ति 20 साल से ऊपर पेंशनेबल सर्विस में कार्य करता है तो उसको बोनस मिलता है 2 ईयर्स का, जो इसकी टोटल जो सर्विस होती है ईयर्स की उसमें ऐड हो जाता है। अच्छा, 2014 से जो कैलकुलेशन होती थी पेंशंस की वो 66,500 पर होती है। आफ्टर 2040 15,000 पर स्टार्ट हो गई है। इसे इडिलाई कैलकुलेशन के लिए मैंने क्वेश्चन देखा। सपोज राम मंथली सैलरी इज 15,000, ही हैज़ रुपीज़ 1 लाख रुपी इन EPF अकाउंट इन 1 ईयर, देन हाउ इज़ इडिलाई कैलकुलेट। अब लेट्स सी, राम सैलरी इज़ 15,000, EPF अकाउंट हैज़ 1 लाख रुपीज़, एंड द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 12 मंथ 15,000 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 12 एंड मल्टीप्लाई बाई 30। इतना हमने पहले रखा अपना अलग, ठीक है। इसके बाद दूसरा हो गया 1 लाख का हमें क्या करना है, 1 लाख रुपीज़ का हमें 50% निकालना है। अब मैं एक बार कलर चेंज हूँ जिससे समझ में आप लोगों को अच्छी तरह से आ जाए। इसका मैंने 12 से 12 कट कर दिया, मेरे पास बचा 15,000 मल्टीप्लाई 30। तो 15 का 30 से करेंगे तो 15 3 = 45, तो 4,50,000, और ये हो गया 50,000, तो टोटल हो गया 5 लाख रुपीज़। और उसमें टर्म और कंडीशन क्या थी कि 2.5 लाख रुपीज़ से 6 लाख रुपीज़ तक इसके बीच में ही हमें प्रोवाइड करना। अगर ध्यान रखना EPF अकाउंट में जो है, अगर 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा EPF दिखाता है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक या उससे नीचे ही हम EPF पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब पेंशन कैलकुलेशन। सपोज मीरा इज़ द एम्प्लॉय ऑफ ABC कंपनी, शी हैज़ कंप्लीटेड 10 ईयर ऑफ हर सर्विस, हर प्रेजेंट सैलरी इज 25,000 पर मंथ फ्रॉम 2014 to 2019, एंड देन वुड बी हर पेंशन। अब उसने 19 में क्या करा, अपनी जॉब को लीव कर दिया अपनी को, तो उसकी 10 साल के करीब उसकी सर्विस हो गई है, कहीं लीव कर दिया और उसकी 10 साल के करीब सर्विस हो, तो मीरा की सैलरी है 25,000। तो हमने बताया कि कैलकुलेशन किस पे होगी, 15,000 पे होगी पेंशन की। ठीक है, जो कंडीशन में देखो पीछे मैंने बताया हुआ था कि कैलकुलेशन जो होगी वो 15,000 की होगी आफ्टर 14 सितंबर। तो यहाँ पे 15,000 पे कैलकुलेशन हम लेंगे, एवरेज पेंशन सैलरी लेंगे, वो पेंशनेबल सर्विस लेंगे और 17 पेंशनेबल सर्विस है इसकी, 10 ईयर मेंशन है। एवरेज पेंशन सैलरी हम निकालते हैं लास्ट 5 मंथ या 5 ईयर या 16 मंथ की, किसी का भी निकाल लो। हमारे पास एवरेज कितना निकल के आएगा, 15,000। 15,000 को हम पेंशनेबल सर्विस में डिवाइड करेंगे 10 में और डिवाइड कर देंगे 70, मल्टीप्लाई करेंगे 10 में और डिवाइड कर देंगे 70, तो हमारी पेंशनेबल सर्विस कितनी आएगी राउंड फिगर में, 2,143 रुपीज़ जो है पे करनी होगी। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। नोट्स प्रो चाहिए हो तो मैं मेल आईडी मेंशन करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से मेल आईडी पे से भेज अपनी रिक्वेस्ट भेज कर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी नोट्स। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।